जो जो देखिए, मुझे लगता था अध्यक्ष जी, जिस तरह से तमिलनाडु में 60 के लगभग लोगों की मौत शराब, नकली शराब के कारण हुई, आपको तो खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा? जो बार बार खड़े हो रहे हैं, वो 2G घोटाले के समय किस किस पर आरोप लगा, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम मैं यहाँ पर लूँ। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में, और यही नहीं, आपका नहीं, दिल्ली का। आपकी मैं बाद में बात करूंगा, आपकी बात बाद में करूंगा। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s, ये नर्वस 90s में आके इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे, लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50%, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, ओह आज भी नहीं है अध्यक्ष जी, क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी कुछ लोगों की बार बार, माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई हैं, एक और छोड़ गए, 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना, एक तो चलो प्लीज बैठे अपने सीट पे।
Sir, point of order 352. Rules to be observed while speaking. A member while speaking not refer to any matter of fact with a judicial decision is pending. Make preference, personal reference by way of making. Okay. Sir, please expunge. Please. 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के साथ बोलोगे, मैं सदन 352 के साथ चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो बताओ। जुडिशियल ओके प्लीज। अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? नो गलत। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रयास कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज्यादा होती हैं। अभी इनका आंकड़ा, इनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, जब राष्ट्रपति भाषण में आया कि स्थिर और स्पष्ट बहुमत मिला, तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, जब 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई, जनता ने इनको नकार दिया। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है, जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है, तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना, तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, कांग्रेस की कितनी सीटें कब कब आई, ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी, तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था, और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था भाजपा और कांग्रेस में। सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई, लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई, तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और 2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और हमारा वोट शेयर भी पहले से ज्यादा बढ़ा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी,
31% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था और 37.36% वोट शेयर हमारा 2019 में था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 19.39% था, मात्र 19.39%। और इस बार भी हमारा वोट शेयर 36.56% है और 240 सीटें जीतकर और गठबंधन को पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और अब 99-98 जो गिनना आप वो गिन लें, उतनी सीटें जिनकर ये तीन बार की सीटें गिन लें तब भी 240 से कम है, हमारे सामने खड़े कहीं नहीं होते। और सुनना रहता है, मैं और बता दूं सर, जितने पूरे समूचे विपक्ष की सीटें हैं उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला दो चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनकी पूर्व की सरकारों में जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, कोई घोटालों की कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने सहयोगी भी चुने तो शराब घोटाले वाले चुने, जमीन घोटाले वाले चुने, रिवर फ्रंट घोटाले वाले चुने और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी एक पार्टी तो ऐसी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पोंजी स्कीम का घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, वो भी साथ में ही है, जहां पेंटिंग भी 3-3 करोड़ रुपए की बिक जाती है। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है। और जो जेल से निकलकर आए थे जैसे टिफिन ब्रेक लंच ब्रेक लेकर चुनाव प्रचार करने, वो बैक टू तिहाड़ चले गए। और खैर इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए भूल कर देखते देखते। गठबंधन भी किया तो किसने, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में नहीं किया। आज दिल्ली की जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहीं की हालत देख लीजिए, चोर चोर मुसेरा भाई, सब ने मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई लेकिन दिल्ली की जनता ने खाता भी नहीं खुलने दिया, सातों की सातों सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी सरकार दिल्ली में है जिसका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री जेल में है, जिसका जेल मंत्री जेल में है, जिसका कानून मंत्री जाली फर्जी MA LLB की डिग्री लेकर वो उसमें जेल में, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और यही नहीं, आपका नहीं दिल्ली का, आपकी मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपकी बात बाद में करूंगा। और जो देखिए, मुझे लगता था अध्यक्ष जी जिस तरह से तमिलनाडु में 60 के लगभग लोगों की मौत
शराब नकली शराब के कारण हुई, आपको तो खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। अध्यक्ष जी जो खड़े हैं मैं समझ सकता हूं, जो बार बार खड़े हो रहे हैं वो 2G घोटाले के समय किस किस पर आरोप लगा, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम मैं यहां पर लूं। माननीय अध्यक्ष जी जब इनको लगा, माननीय अध्यक्ष जी जब इनको लगा कि घोटाले वालों का सारा गठबंधन इकट्ठा करने के बाद भी, भ्रष्टाचारियों का कुनबा इकट्ठा करने के बाद भी हमें टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो भय भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति की गई। क्या क्या इस चुनाव में नहीं हुआ, और जिस और इशारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आता था, चाहे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो, चाहे वाले फैलाने की बात हो, ये आज नहीं, ये बार बार इनके प्रयास हैं, और विदेशी ताकतों का हाथ भी इस चुनाव में देखा गया कि किस तरह से हकराया गया। ये EVM पर भी आरोप लगाते गए, और बाकी बूथ कैप्चरिंग की तो मैं बात उस पर आऊँगा सब पे अभी। माननीय अध्यक्ष जी दुख इस बात का है कि इनके कुछ नेताओं ने हम हिंदुस्तान के लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणियाँ की हैं, जहरीले बोल, सैम पिटी रोड़ा जो किसी के अंकल फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है, और सर सैम पिटी रोड़ा का ये बयान, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या सैम पिटी रोड़ा का ये बयान और कांग्रेस की सोच एक है? अगर ऐसा नहीं तो कौन सी मजबूरी है कि अंकल सैम को पार्टी में लेना वापिस जरूरी है? मैं केवल कांग्रेस से ही नहीं, मैं राहुल गांधी जी से नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या वो सैम पिटी रोड़ा के बयान से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? क्या नस्लभेदी टिप्पणी ये भारत के लोगों को स्वीकार नहीं? मैं पूछता हूँ आप दक्षिण के भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत के लोगों को नस्लभेदी टिप्पणी करते हो, हमें स्वीकार नहीं, ये भारत के लोगों का अपमान है, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से, चाहे अखिलेश जी हैं, मारन जी हैं, राजा जी हैं, सुप्रिया जी हैं, बाकी सब हैं, सुदीप दा, बाकी सब लोग हैं, क्या आप सैम पिटी रोड़ा के बयान से और कांग्रेस की सोच से सहमत हैं? और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि यहीं सर यहीं नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। ये जय फिलिस्तीन का नारा मंजूर नहीं है। क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो मां भारती के लिए ना बोल सके, जो मां भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूं, संविधान को बार बार हाथ में लहराकर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी, आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, डिवेल्यूएटिंग एंड डिमीनिंग इट, दैट टू बाय अ पार्टी हु हैज फॉरएवर बीन एक्टिंग अगेंस्ट द इथोस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है, और भी अपने लिए किया है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी दर्द होगा आपको, गौरव जी दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी ओर
दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंचतीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया।